guys, today we are going to make chicken. आज हम चिकन बना रहे हैं. उसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है. एंड ये है कुछ इंग्रेडिएंट्स. लाइक ये है अनियन, जो मैंने 4 अनियंस लिए होंगे एंड इनको चॉप कर लिया मैंने. ज़्यादा मतलब बारीक भी नहीं किया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं किया, हल्का हल्का किया से. एंड ये कुछ 3 टमाटर लिए होंगे. बीच में इसकी चिली है, ग्रीन चिली. एंड ये अदरक है थोड़ा सा, जिंजर. एंड और ये है थोड़ा सा लहसुन. फिलहाल के लिए इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस. ये जो हमने टमाटर, अदरक और चिली, ग्रीन चिली ली थी, इसको हमने प्यूरी बना ली है. हम चिकन मैं तो पीले भी बनाऊँगी. तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल. मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ. लगभग इतना ऑयल ठीक है. तो गाइस ये हमारा जो ऑयल है जो हमने डाला था, ये अब अच्छे से गर्म हो गया है. अब हम इसमें, मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ. थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा आ गया मेरे इसमें. थोड़ा ही डाला मैंने. अब हींग को थोड़ा सा होने दूंगी गोल्डन सा ब्राउन. अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने अनियन जो चॉप करे थे, ये मैं सब डाल दूंगी इसके बाद. अच्छे से डाल रहे और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकने देंगे. हमारे जो प्याज है ये ब्राउन हो चुके हैं. अब हम इसमें जो हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की जो प्यूरी बनाई थी, हम उसको डाल देंगे. और अब हम इसे भी पकने देंगे थोड़ा. जब ये पूरा जो है मिक्सचर जो है ऑयल थोड़ा सा टेस्ट कर देगा, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे. तो गाइस ये देखिए हमारा जो ये मिक्सचर है, ये ऑयल सेपरेट कर दिया है और मैं इसे इतना ही पकाऊंगी. और अब हम ऐड करते हैं इसमें अपने मसाले. सबसे पहले हम ऐड करेंगे सॉल्ट. मसाले ऐड करेंगे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सॉल्ट. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. मैं 2 टीस्पून से ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 टीस्पून फुल. और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च. गाइस ये सिर्फ रंग के लिए है. अब मुझे पता नहीं है इसमें मिर्ची है कि नहीं. ये एवरेस्ट की लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है. और इसके बाद मैं थोड़ी तीखी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ हल्की सी. अब हम इसको मिला लेते हैं. पकाने के लिए थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी इसमें हल्का सा, जितना होना चाहिए हम पकने देंगे. गाइस अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं जो हमने धोया था. पानी में डालेंगे और ये इसको पकने देंगे जब तक ये चिकन थोड़ा वाइटिश वाइटिश नहीं हो जाता. आपको दिख रहा है कि ये वाइट वाइट हो रहा है, तो इसको पूरा वाइट होने देंगे हम. इसको फ्राई कर लेंगे इसमें.
गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें सिलेंडर से हम इसको गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड हमें मुझे तो ऐसे ही तरी वाला चिकन पसंद है जो राइस के साथ खाया जाए। हम